हेलो वेलकम फ्रेंड्स, डेली ईआरपी लाइन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि परचेज करने वाले सामान, परचेज किए जाने वाले सामान की लिस्ट नहीं दी गई है, सिर्फ ये दिया गया है कि इस डेट पर कितने रुपए का सामान परचेज किया गया। तो ये एंट्री करना मैंने पहले बताया है। जैसे मान लो कि आइटम की लिस्ट दी होती है तो हम क्या करते हैं, सीधा यहाँ से बी प्रेस करते हैं, या फिर यहाँ काउंटिंग वाउचर यहाँ दिया हुआ है तो यहाँ से बी प्रेस कर लेते हैं तो आ जाते हैं यहाँ पे, और परचेज वाउचर में जाने के लिए F9 प्रेस कर लेते हैं तो परचेज वाउचर में आ जाते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम दिया होता है तो ये नेम ऑफ आइटम हम यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालते हैं, एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, डेट आती है वो, यहाँ पर क्रेडिटर पार्टी का लेजर आता है और एंटर करके यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और यहाँ पर उन आइटम्स की बात कर लेते हैं। लेकिन आइटम्स तो दिए नहीं हुए हैं, खाली ये कहा जा रहा है कि 10,000 रुपए का सामान मिस्टर राम से खरीदा गया। ठीक है, बहुत आसान है एंट्री। कैसे करेंगे एंट्री, ये सबसे पहले तो देख लीजिए, ये आइटम इनवॉइस मोड में आपको रहना नहीं है। ये आइटम इनवॉइस दिख रहा है ना, आइटम इनवॉइस, तो आइटम इनवॉइस मोड से आपको हटना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये कैसे है, कैसे होगा ये आइटम इनवॉइस मोड से कैसे हटेंगे, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा है ये साइड बार दिख रहा है, ये नीली हरे रंग की पट्टी दिख रही है। ठीक है, ये टैली आरपी लाइन है, प्राइम में यहाँ पे नीले रंग की पट्टी आपको दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में चले जाना। ठीक है, ये देखो एड वाउचर दिया हुआ है और ये अकाउंटिंग है, तो ये अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करोगी तो यहाँ पार्टी का नेम आ रहा है ना, और बाकी यहाँ पे पर्टिकुलर आ जा रहा है। ठीक है, तो मान लो कि मिस्टर राम से 10,000 रुपए का सामान 1 मई 2021 को खरीदा गया। ठीक है, तो 1 मई 2021 डेट है। ठीक है, यहाँ पे आए, एंटर किया, एंटर किया। अब ये क्रेडिटर पार्टी है, देखो मिस्टर राम की बात कर रही है लेकिन ये तो मिस्टर बाबू का है ना, बाबू सी करके है, तो मिस्टर राम का एक हमको लेजर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ से अल्ट सी करके लेजर क्रिएट करते हैं मिस्टर राम, ये लिख दिया मिस्टर और यहाँ पे लिख दिया राम। ठीक है, ये हो गया मिस्टर राम, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये जाएगा सर्टरी क्रेडिटर में, किसमें जाएगा, हाँ ये जाएगा, और यहाँ मेंटेन बैलेंस भेजवाएंगे उसको, ये करते हुए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये क्रेडिटर पार्टी का हमारा लेजर तैयार हो जाएगा। ठीक है, मिस्टर राम से 10,000 रुपए का क्या खरीदा जा रहा है, सामान, ये नहीं पता है कि क्या क्या खरीदा जा रहा है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए परचेज अकाउंट का लेजर, परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज का मतलब होता है खरीदना। ठीक है, तो परचेज अकाउंट का लेजर यहाँ पर लगा दीजिए, कितने का सामान खरीदा गया है, 10,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10,000, बस हो गया, ये आपकी एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे नरेशन में आप डाल सकती हैं कि परचेज यू आर पी एच एस ईडी परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम, यानी क्रेडिटर पार्टी कौन है, हाँ मिस्टर राम है। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे, समझ में आ रहा है। अगर इस पे जीएसटी लगा हो तो जीएसटी की एंट्री में जैसे आपको बिल मिल जाएगा कि इतने का सामान खरीदा गया है, इतनी जीएसटी लगी हुई है, तो वहां पे जीएसटी भी डाला जा सकता है, जीएसटी का लेजर लगा करके उतना रुपया एंटर कर दिया जाएगा तो वो बिल का एंट्री जो है पास हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ओके, जाओ करो जी।